हेलो फ्रेंड्स, आशीष ये फॉर सिंपल स्टूपिड टेक, और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपने Realme GT मास्टर एडिशन या Realme GT में कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जी हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग आजकल एक नेसेसरी फीचर है, चाहे वो आप प्राइवेसी की बात कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, कॉल रिकॉर्डिंग बहुत लोगों को चाहिए एज अ रिकॉर्ड रखने के लिए कि फलाने के साथ बात हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस फीचर को कैसे यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। तो आपको अपने कॉल वाले उसमें जाना है, और सपोज करो मैं यहाँ पे कॉल लगाता हूँ और मैं सिम वन बोलता हूँ, तो आप देखोगे जैसे ही यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे एक रिकॉर्ड का ऑप्शन आ गया। जब आप पहली बार इसको यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे वार्निंग दी जाएगी, एक लीगल नोटिस दी जाएगी कि स्टॉप रिकॉर्डिंग विदाउट कंसेंट इज़ रॉन्ग, और आपको वो कंसेंट के साथ करना पड़ेगा। इसके लिए ये गूगल का डायलर क्या करता है, सामने वाले को भी एक ऑडियो मैसेज भेज देता है लाइक दिस कॉल इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। तो जैसे ही आप करोगे, दिस कॉल इज़ नाउ बीइंग रिकॉर्डेड का मैसेज चला जाएगा सामने वाले के पास भी। जब आप स्टॉप करोगे तो मैसेज जाता है कि कॉल रिकॉर्डिंग रुक भी गई है। ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि गूगल का डायलर है, अभी भी फुल फ्लेज ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग नहीं है, बट देखते हैं। तो ये समझ में आ गया कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर से एक बार करते हैं। सो कॉल रिकॉर्डिंग हैज एंडेड। तो अब ये कॉल रिकॉर्डिंग्स मुझे सुनने कहाँ मिलेगी, तो आप अपने डायलर में जाओ, रीसेंट कॉल्स में जाओ, और यहाँ देख सकते हो कि आपके जो कॉल्स रिकॉर्डेड हैं उसके बगल में माइक का आइकन है। जो भी कॉल, जो भी नंबर पे आपने कॉल रिकॉर्ड किया होगा उसके बगल में माइक का आइकन है, उसको एक्सपैंड करो और पूरी रिकॉर्डिंग्स आप यहाँ सुन सकते हो। ये जो है ये रीसेंट रिकॉर्डिंग है। अगर आपको पुरानी रिकॉर्डिंग सुननी है तो आप हिस्ट्री में जाओ और उसको आप सुन सकते हो, जितनी भी पुरानी रिकॉर्डिंग है। जब रिकॉर्डिंग सुनोगे उस समय आप यहाँ पे चाहो तो शेयर कर सकते हो इस रिकॉर्डिंग को किसी के साथ, डिलीट कर सकते हो, स्पीकर पे सुन सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। अब ये तो बात हो गई कि कॉल रिकॉर्डिंग चलता है, काम करता है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स देखनी है तो कैसे करूँगा, तो आप सेटिंग्स पे जाओ, उसके बाद यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग्स पे जाओ। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि डिलीट रिकॉर्डिंग कब करना है, आप रिकॉर्डिंग्स चाहते हो जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है वो कब डिलीट हो, 7 days, 14 days, 30 days, वो हो जाएगा। सिमिलरली डिलीट ऑल रिकॉर्डिंग, सिर्फ आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो जाएगी, ये आपको हेल्प करेगा स्पेस रिकवर करने में। ऑलवेज रिकॉर्ड, जो नंबर्स आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है उसको आप ऑलवेज रिकॉर्ड पे डाल सकते हो, सामने वाले को नोटिफिकेशन जाएगा, ये पक्का है। अगर आप चाहते हो कि कुछ सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट से आपका बिजनेस कॉन्टैक्ट हो गए या किसी से भी आपको कोई बात करनी है और आप चाहते हो उसको रिकॉर्ड करना है, तो आप यहाँ के उस आदमी का नंबर सेलेक्ट कर लो और नेक्स्ट टाइम जब वो कॉल करेगा तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, बट अगेन कंसेंट के साथ। तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कैसे काम कर रहा है, अब सपोज करो मैं जाता हूँ और फिर से डायल करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 198 नंबर मेरे फ़ोन में सेव नहीं था, इसलिए ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ, चाहे वो इनकमिंग हो चाहे वो आउटगोइंग हो, दोनों पे ये काम करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने Realme GT मास्टर एडिशन या Realme GT या किसी भी Realme फ़ोन में जिसमें वर्जन 1 वर्जन 2 में कॉल रिकॉर्डिंग है और आपको गूगल का डायलर मिलता है उसमें रिकॉर्ड करना हो, तो ये मेथड है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।